हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्टडी हब हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस डेली जर्नल टेस्ट विद सॉल्यूशंस फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द खजूरों टेंपल्स खजूरों टेंपल्स जो हैं वो किसने बनाए हैं तो वो किसने कौन सी डायनेस्टी चंदेला चंदेल ने जो हैं ये खजूरों टेम्पल्स बनाए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कि कौन सी जो है इंडिया की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है तो इसका आंसर है अरावली अरावलीज जो हैं वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मैक्सिम टाइम क्या होता है मैक्सिमम टाइम क्या मेनली ट्रापिकल होता है तो वो किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालज इन दॉर्थ जो हिमालियाज़ हैं नॉर्थ की नॉर्थ में उसकी वजह से जो है इंडिया का क्लाइमेट हमेशा ट्रॉपिकल रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी स्टोर इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इस की जो एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है कंप्रेस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में वो किसकी वजह से होती है वो क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया एंड माइपिया कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग की हाइपर माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है वो भी रेक्टिफाइड किया जा सकता है क्या यूज़ करके कनकेवन कन्वेक्स लेंस रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग अ विलेज इन ग्वालियर इज़ फेमस फॉर भाग एक विलेज है ग्वालियर में वो किसके लिए फेमस है के पेंटिंग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज अ कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कि कब जो है कमर्शियल पेपर जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में पहली बार तो वो कब किया था नाइनटीन नाइन्टी नेक्स्ट एट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वट डज़ द सी स्टैंड फॉर द एप्रिवेशन ऑफ सी बी एल ओ तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक टर्म आती है सी बी एल ओ तो वो उसमें सी जो है वो Uh, uh, किसके लिए स्टैंड करता है कोलेट्रलाइज तो सी बी एल ओ की पूरी फुल एब्रीवेशन क्या है कोलेट्रलाइज बोरइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन लेक्ट्रेट सॉइल कौन सी क्रॉप जो है वो मेनली ग्रो की जाती है इलेक्ट्राइट सॉइल में तो वो कौन सी है कॉफी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएट द जॉग फॉल्स कौन सी टीवर जो है वो क्रिएट करती है जॉगफॉल तो वो है शारवती नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग मुगल शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम एलुस्ट्रेटेड मेनुस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट कौन से मुग़ल एम्पर ने मेनुस्क्रिप्ट टू द एल्बम इंडिविजुअल पोर्ट्रेट तो किसने किया था जहांगीर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हिंदू इंदस वैली सिविलाइजेशन अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज़ बीन फाउंड तो इनमें से जो है कौन सी इंडस वैली साइट में क्ले मॉडल ऑफ प्लो जो है वो मिला हुआ है तो वो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है बनवाली नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्टेट वट इज़ द स्टेट ऑफ लावा और मैगमा तो इनमें से जो है लावा और मैग्मा की कौन सी स्टेट है तो ये कि, आ, किसकी वजह से कैसे होता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स एंड गैसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जो है वो कौन सी है तो इसमें वो है ग्रेनाइट फिफ्टीन क्वेश्चन है इग्नियस रॉक्स विद लोएस्ट कॉन्टेंट ऑफ सिलिका सिलिका आर नोन एज कि इग्नियस रॉक जिसमें सबसे कम मात्रा में सिलिका होता है तो वो कौन सी रॉक है वो है अल्ट्रामाफिक रॉक नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टन कोड मंकी इज़ रिटन एज एक्स डी एच एक्स टी जे एम एन एल हाउ इज़ टाइगर रिटन इन दैट कोड कि एक एक कोड में मंकी को कैसे लिखा जाता है एक्स टी जे एम एन एल देन उसी कोड में टाइगर को कैसा लिखा जाएगा तो इसका आंसर है क्यू डी एफ एफ एच एस डिटेल आंसर के लिए ज्वाइन करें स्टडी हब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन इफ फ्रेंड इज कोड एस एच यू एम जे टी के हाउ इज कैंडल रिटर्न इन दैट कोड कि एक सर्टन कोड में एक कोडेड लैंग्वेज uh, में फ्रेंड को लिखा जाता है एच यू एम जी जे टी के दिन कैंडल को कैसे लिखा जाएगा तो इसका आंसर है ई डी आर आई आर एल नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ गिवन फ्रेज कि वर्ड सेलेक्ट करना है इन में फॉल इन फॉलिंग वर्ड्स में जो इस फ्रेज़ का एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा वन हु इज इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी तो ऐसा इंसान जो हमेशा इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्टेड रहता है मनी को बनाने में मन मनी को पैसे कमाने में तो उसको क्या बोला जाता है मैर्नेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन फ्रेज नॉट प्लीजन टू टेस्ट जो कि अच्छा ना हो आ, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो तो उसको क्या बोला जाता है अनप्लेटेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन द फ्रेज नॉट केपेबल बींग इमेजिंड और ग्रेव मेंटली तो इसका आंसर है अनकनसीव कंसीविएबल सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डेली जर्नल टेस्ट आई होप यू लाइक इफ यू लाइक डैन प्रेस द बेलैकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू